डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट टू में कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। आइए देखते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या मुराद होती है। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपने दो तरह की कॉस्टिंग शायद पढ़ी हो या सुनी हो, एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम और दूसरी है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उस वक्त जो कंपनी सिस्टम यूज़ करती है कॉस्टिंग के लिए, यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट मालूम करने के लिए, वो कहलाते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। लेकिन जब कंपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर करती बल्कि एक जैसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर लेती है तमाम कस्टमर्स के लिए, तो उस वक्त कंपनी जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करती है वो कहलाता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार नहीं की जाएगी बल्कि हम एक जैसी प्रोडक्ट्स बनाकर रख देंगे। अब अगर कस्टमर को पसंद आती है तो ले ले, नहीं पसंद आती तो छोड़ दे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ नहीं किया जाएगा, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, एक ही जैसी प्रोडक्ट्स बनाकर रख दी गई हैं। ठीक है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी स्टोर में जाते हो और वहाँ पर आपको शर्ट या जीन्स वगैरह जो भी है वो नज़र आती है। अब जो उनके पास अवेलेबल डिज़ाइन है, अवेलेबल साइज़ है, अवेलेबल कलर है, आपको उसी में से सिलेक्ट करना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं, इस कलर में कस्टमाइज़ करके दे दीजिए, तो वो आपसे सॉरी कर लेते हैं कि नहीं सर, हम आपको इस कलर में, इस डिज़ाइन में, इस तरीके से हम आपको साइज़ में बनाकर नहीं दे सकते, अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं। हाँ, अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो फिर आप उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर बता सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बता सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसे डिज़ाइन बता सकते हैं। तो टेलर जो आपको ड्रेस बनाकर देता है वो कस्टमाइज़ होता है, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाएगा वो कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। जबकि स्टोर में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जा रही है, यानी कि वो जो ड्रेस मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, मॉडिफाई नहीं हो सकते, कस्टमाइज़ नहीं हो सकते। तो वहाँ पर जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा सिस्टम है? वो है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। ये बात आपको जहन में रखनी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में जो भी आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जाएगी वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर तैयार होगी, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती है। और हर प्रोसेस में, हर डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस वक्त प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, और ये एक एवरेज की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि एक यूनिट पर कैलकुलेट नहीं किया जाता कि एक यूनिट कितने का बन रहा है, बल्कि जब तमाम यूनिट्स बन जाती हैं, यानी जब तमाम शर्ट्स बन जाएगी तो ये देखा जाएगा कि तमाम शर्ट्स टोटल कितने में बनी हैं और कितनी शर्ट्स बनी हैं, उसके मुताबिक एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर ली जाएगी, एवरेज यूनिट कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये है प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। अब प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को ज़रा मज़ीद डिटेल में समझते हैं। दो तरह की प्रोसेसिंग होती है हमारे पास, कौन कौन सी होती है आइए ज़रा वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रोसेसिंग है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है? बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब कोई प्रोडक्ट एक प्रोसेस से गुजरकर तैयार होती है और वो प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस से मुराद ये है कि पहले प्रोडक्ट जाएगी प्रोसेस ए में, यानी डिपार्टमेंट वन में, वहाँ पर उस पर काम होगा। वहाँ से निकलकर फिर प्रोडक्ट जाएगी डिपार्टमेंट टू में, यानी प्रोसेस बी में, फिर वहाँ पर उस पर काम होगा। पर वहाँ से निकलकर प्रोडक्ट आगे जाएगी प्रोसेस सी में, फिर डी में, इसी तरीके से जितने प्रोसेस आपके पास हैं, एंड देन फाइनली वो पहुँचेगी कहाँ पर? फिनिश गुड्स में। यानी आपकी प्रोडक्ट जो है वो, फॉर एग्जांपल आप शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कपड़ा जो है वो यहाँ पर कटिंग हो रहा है, यहाँ पर स्टिचिंग हो रही है, डाइंग हो रही है, वट एवर जो भी प्रोसेस है आपका, यानी एक प्रोसेस से गुजर कर आपकी प्रोडक्ट तैयार नहीं हो रही बल्कि डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर वो प्रोडक्ट क्या हो रही है? तैयार हो रही है। कहने वाली बात इसमें यह है कि पहला दूसरा जो प्रोसेस है, यानी जो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो डिपेंडेंट है कम्प्लीटली डिपार्टमेंट ए पर। यानी जब तक डिपार्टमेंट ए से माल तैयार होकर डिपार्टमेंट बी में नहीं आ जाता, तब तक डिपार्टमेंट बी प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकती, यानी काम नहीं कर सकती। इसी तरीके से जब तक डिपार्टमेंट बी से माल तैयार होकर डिपार्टमेंट सी में नहीं आ जाता, तब तक डिपार्टमेंट सी कोई भी काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि प्रोसेस ए का काम है कपड़े को काटना, प्रोसेस बी का काम है कपड़े को स्टिच करना। तो जब तक प्रोसेस ए जो है वो कपड़े को काटेगा नहीं, यानी जब तक ए डिपार्टमेंट कपड़े को काट नहीं लेता, तब तक बी डिपार्टमेंट कपड़े को स्टिच नहीं कर सकता। वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, भाई हमारे पास तो कपड़ा आया ही नहीं है कट के, हम क्या सिए,
कागज़ तो छीन नहीं सकते हम लोग, तो इसीलिए प्रोसेस बी डिपेंडेंट किस पर हो गया, डिपार्टमेंट ए यानी प्रोसेस ए पर। इसी तरीके से जब तक कपड़ा सिलेगा नहीं, जब तक वो आगे जो है वो मज़ीद उस पर प्रोसेस नहीं हो सकता, तो प्रोसेस सी डिपेंडेंट है प्रोसेस बी पर, प्रोसेस बी ए डी डिपेंडेंट है प्रोसेस सी पर, और ई डिपेंडेंट है प्रोसेस डी पर। यानी एक पूरी सीक्वेंस है, इसीलिए से क्या कहा गया सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, यानी तमाम डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक्ड हैं और डिपेंडेंट है प्रीवियस डिपार्टमेंट पर। तो ये कहलाती है हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग में, जो ये हमारा सिस्टम है ये कहलाता है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रोसेसिंग पर। दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास वो है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग से क्या मुराद है, मैं आपके सामने एक डायग्राम शो करता हूँ, देखिएगा। देखिए, प्रोसेस ए से माल जा रहा है प्रोसेस बी में, और प्रोसेस सी से माल जा रहा है प्रोसेस डी में। अच्छा, ये गौर कीजिए कि प्रोसेस ए और बी आपस में लिंक्ड है, जबकि सी और डी आपस में लिंक्ड है। सर, ये कैसी प्रोसेसिंग है? इसका मतलब यह है कि दो या तीन, यानी एक वक्त में दो तीन चार पाँच जितने भी प्रोसेस हैं, एक वक्त में अलग अलग प्रोसेस चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। यानी जैसे प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ये समझ लीजिए ये एक किस्म का प्रोसेस चल रहा है, सी और डी ये दूसरे किस्म का प्रोसेस चल रहा है, यानी दो प्रोसेस एक ही वक्त में साथ साथ चल रहे हैं। प्रोसेस ए से माल तैयार होकर कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी में जाएगा, यानी प्रोसेस बी डिपेंडेंट किस पर हो गया, प्रोसेस ए पर डिपेंडेंट हो गया। प्रोसेस सी से माल निकल कर किस पर जाएगा, प्रोसेस डी में जाएगा, यानी प्रोसेस डी किस पर डिपेंडेंट हो गया, प्रोसेस सी पर डिपेंडेंट हो गया। अब सर इसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि सपोज़ कीजिए कि आपकी कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करती है या कोई भी ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, और आपकी कंपनी जो ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए जो बॉटल होती है वो बॉटल भी कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी कंपनी जो है वो परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर करती है, परफ्यूम एक लिक्विड है वो मैन्युफैक्चर करती है, और उसके लिए जो बॉटल्स होती है वो बॉटल्स कहीं से परचेज नहीं करती, बल्कि आपकी कंपनी वो बॉटल्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। तो प्रोसेस ए और बी में मैन्युफैक्चर हो रहा है परफ्यूम, सी और डी में मैन्युफैक्चर हो रही है बॉटल्स। अब परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग का बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, यानी जहाँ पर परफ्यूम मैन्युफैक्चर हो रहा है उनका काम सिर्फ परफ्यूम मैन्युफैक्चर करना है, भले बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो या ना हो, उससे परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंट है, परफ्यूम बने या ना बने, जिन लोगों का काम बॉटल्स बनाना है वो बोलेंगे भाई हम तो बॉटल बना रहे हैं, भले परफ्यूम बने ना बने हमारा उससे क्या ताल्लुक है, हम किसी पर डिपेंडेंट थोड़ी हैं। तो जो बॉटल बनाने वाला डिपार्टमेंट है वो बॉटल बनाता रहेगा भले परफ्यूम बने ना बने, कम बने ज़्यादा बने, तो उनका काम सिर्फ बॉटल्स बनाना है। तो प्रोसेस ए से निकलकर, यानी यहाँ पर परफ्यूम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या प्रोसेस ए से निकलकर माल कहाँ पर जाएगा, प्रोसेस बी में, यानी कि ये दोनों आपस में लिंक्ड है। यहाँ पर परफ्यूम मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ से परफ्यूम कुछ काम होगा, काम निकलकर दूसरे प्रोसेस में जाएगा, जहाँ पर परफ्यूम पर मज़ीद कुछ काम किया जाएगा, यानी इसे फिनिश किया जाएगा। जबकि सी और डी डिपार्टमेंट में बॉटल्स मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर परफ्यूम मैन्युफैक्चर हो रहा है और यहाँ पर बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रही है। फिर जब दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये दोनों प्रोसेसेस आपस में मर्ज होंगे। परफ्यूम मैन्युफैक्चर हो गया, परफ्यूम मैन्युफैक्चर करके किसी जगह पर स्टोर किया गया, इसी तरीके से बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो गई, बॉटल्स मैन्युफैक्चर करके प्रोसेस डी में रखी गई, अब परफ्यूम को फिल करना है बॉटल्स में। तो ये दोनों जब मर्ज होंगे आपस में तो एक नया प्रोसेस बनेगा, वो कहलाएगा प्रोसेस ई। प्रोसेस ई में क्या हो रहा है कि बी से जो भी परफ्यूम मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है और डी से जो भी बॉटल्स मैन्युफैक्चर होकर आ रही हैं, ये दोनों अब एक प्रोसेस में आ जाएंगी और इस प्रोसेस के अंदर यानी बॉटल्स में परफ्यूम्स को फिल किया जाएगा। यानी कि पहला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस आकर एक स्टेज पर मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और मर्ज होने के बाद अब यहाँ से जो भी प्रोडक्ट तैयार होगी वो कहाँ चले जाएगी, वो चले जाएगी फिनिश गुड्स में, यानी तैयार माल में। तो ये कहलाती है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग से मुराद मैंने अभी आपको बात समझा दी कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस कंटिन्यू चल रहे होते हैं, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहे होते हैं। हाँ, एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ पर तमाम प्रोसेसेस आपस में जो है वो लिंक्ड करने लग जाते हैं, और फिर वहाँ से लिंक करने के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाती है। ठीक, तो ये
दो तरह की प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आपको बात समझाई है। एक है सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग और दूसरी है पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग को हम कंटिन्यूस प्रोसेसिंग भी कहते हैं, यानी कंटिन्यू वो प्रोसेस चलता रहता है। ठीक, तो ये दो तरह की प्रोसेसिंग हुई हमारी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ यूज़ होने वाली बेसिक टर्म्स को, और उनको ध्यान से समझेंगे कि वो क्या चीज़ हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।